वेलकम टू 24/7 स्कूल। बच्चों बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है आपकी। 2022-23 का सिलेबस आ चुका है कक्षा 10 के हिंदी ए की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यह आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह दो भागों में बटा हुआ होगा, ए और ब। ए भाग होगा वह आपका वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें टोटल 49 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमें 40 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो कितनी अच्छी बात है, देखो लगा ना अच्छा थोड़ा सा, क्या लगा? यानी दो भाग होंगे जिसमें से पहला भाग हमारा वस्तु परक प्रश्न होंगे यानी एमसीक्यू बहुविकल्पीय होंगे जिसमें 49 प्रश्न होंगे दोस्तों, जिसमें हमें 40 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं। मतलब 40 में 40 तो करना ही हमें सही, 49 में से, ठीक है। फिर वह भाग होगा वो वर्णात्मक होगा यानी उसमें लिखना पड़ेगा और वो भी कैसा होगा, बहुविकल्प अथवा वाले होंगे, आंतरिक विकल्प वाले होंगे जिसमें दो में से हमें एक करना होगा। टोटल आपका 80 नंबरों का प्रश्न पत्र होगा और 20 नंबर आपके जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहां से आंतरिक मूल्यांकन के जाएंगे, आंतरिक परीक्षा के जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों आपकी जो किताबें, दो किताबें हैं कौन कौन सी हैं, क्षितिज भाग दो और एक है कृतिका भाग दो। उसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो एक अपठित गद्यांश और एक आएगा अपठित पद्यांश। अब इसकी हम बात करें तो एक अपठित गद्यांश होगा लेकिन दोस्तों ध्यान रखना बिना विकल्प या बिना अथवा के होंगे, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा तो 5 नंबर का। लेकिन जो पद्यांश होगा वह विकल्प सहित अथवा में होगा, टोटल उससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी दोनों में से कोई आपको एक पद्यांश के 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आगे हम बात करें, देखो सबसे अच्छी सबसे इंटरेस्टिंग बात आ गई आपकी व्याकरण, क्योंकि आपका जो अब की बार जो सिलेबस था उसमें व्याकरण नहीं था लेकिन अब की बार 2022-23 में आपका सिलेबस आ चुका है जिसमें आपकी व्याकरण को जोड़ दिया गया और कुल कितने प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, 20 में से मात्र 16। और वो तो हमें करने हैं, व्याकरण तो हमें ऐसे रट डालनी है बिल्कुल इसी प्रकार सीखना है कि हमें प्रत्येक प्रश्न को सही हल करना है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों यानी व्याकरण में क्या क्या होगा, रचना के आधार वाक्य के भेद होंगे जिसमें से 4 अंक का होगा, 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वाच्य होगा, पद परिचय होगा और अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार में तो शलेश दिया हुआ है और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार दिया। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी व्याकरण दी आपके लोगों की, यानी कि एक बार मैं पढ़ा दूंगा ना तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 से, यानी कि यहां पे जो निर्धारित पाठ किए गए हैं उसमें से एक गद्यांश के आधार पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, वो भी कैसा होगा दोस्तों, बहुविकल्पीय। यानी अभी बताया ना मैंने, ए भाग है जिसमें से 49 प्रश्नों में से हमें केवल 40 प्रश्नों के आंसर देंगे और कैसे होंगे ये, एमसीक्यू होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों क्षितिज से जो गद्य पाठों के आधार पर जो भी उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आंकलन करने वाले एक अंकीय 2 प्रश्न बहुविकल्प पूछे जाएंगे, वो आपको आंसर देना है। इसमें कोई भी आप लोगों को किसी प्रकार के यानी कि अथवा में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा लेकिन एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें काव्यखंड की यानी कि पद्यांश की बात करें तो 5 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे हम बात करें दोस्तों 2 बहुविकल्पीय हैं, वो भी कहाँ से हैं, आपके काव्य बोध यानी काव्यखंड से होंगे। नेक्स्ट हम बात करें आपकी पुस्तक आती है दूसरी जिसका नाम है कृतिका भाग 2 और एक आपकी है क्षितिज भाग 2, जिसके खंड खंड में से यानी कि 3 प्रश्नों में से आप लोगों को यानी 4 में से आपको 3 प्रश्नों के आंसर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, ऐसे कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया है। अब पद्यांश की बात करें, कविता खंड काव्य खंड की हम बात करें दोस्तों तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर काव्य बोध समय 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे यानी 4 में से 3 प्रश्न करना होगा तो 6 नंबर का हो गया। और कृतिका भाग 2 आपकी जो पुस्तक है 50-60 शब्दों में देना होगा, 3 में से आपको मात्र कितने प्रश्न करने, 2 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा आपका कितना, 4 अंकों का होगा, ठीक है। आगे हम बात करें आपका एक लेखन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको एक औपचारिक पत्र, अनौपचारिक और औपचारिक में से एक पत्र लिखना होगा जो कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, और एक आपका अनुच्छेद लेखन है जो 120 शब्दों में लिखना होगा वह भी आपका 6 नंबर का होगा, और एक हम बात करें स्वव्रत जिसे हम कहते हैं ना साक्षात्कार कहते हैं, सॉरी बायोडाटा जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वह होगा और वह भी कितने नंबर का, 5 अंकों का होगा। इसमें तो अथवा भी दिया हुआ है, वो क्या, औपचारिक ईमेल लेखन, ठीक है, तो दोनों इजी है, बायोडाटा हम लोग लिख सकते हैं जिसे हम सीवी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो 60 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लिखना है आप लोगों को और उसी के अथवा में दे रखा है संदेश लेखन जो 60 शब्दों में लिखना है और वो आपका शुभकामना या त्यौहार,
विशेष अवसरों पर, यानी कह सकते हैं हम लोग संदेश लेखन कैसा आ गया आपका यहाँ पे, अनौपचारिक आ गया। कैसा आ गया? अनौपचारिक संदेश आपको लिखना होगा, या विज्ञापन लिख दो या आपको अनौपचारिक संदेश लेखन, SMS बोलते हो ना, उसे संदेश लेखन कहा जाता है। ठीक है, अब ये है आपका क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये है, ये तो हमें पता चल गया कि दो भागों में हमारा पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, एक ए भाग होगा MCQ बहुविकल्पी होगा, दूसरा हमें वर्णनात्मक होगा, और ए भाग होगा जिसमें 49% में 40% की मात्रा में आंसर देने हैं, और वह भाग आपका जितना अध्याय है, चैप्टर है, उनके अनुसार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। अब ध्यान क्या रखना है अभी, अब सिलेबस में ध्यान ये रखना है कि हटा क्या क्या दिया है हमारे सिलेबस में से, तो क्या क्या हटा है आपके क्षितिज भाग दो पुस्तक से। यदि काव्य खंड यानी कविता खंड की हम बात करें तो कवि देव द्वारा सवैया और कवित लिखा गया था, जो पूरा पाठ आपका हटा दिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा छाया मत छूना पूरा पाठ हटा दिया गया है, और ऋतुराज की कन्यादान कविता है, बहुत अच्छी कविता बेटा, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। यदि हम गदखंड की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन को पूरा पाठ हटा दिया गया है, और सक्सेना साहब जी का मानवीय करुणा के दिव्य चमक जो फादर कामिल बुल्के साहब पर लिखा गया है उसे भी पूरा पाठ हटा दिया गया है। अब आता है आपकी कृतिका भाग दो, ईंट या झूलनी हैरानी हो रामा पूरा पाठ हटा दिया गया है, और जॉर्ज पंचम की नाक जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया था यह भी हटा दिया गया। मतलब ध्यान क्या रखना है, हमें यह ध्यान रखना है क्या क्या हटा दिया गया है बस सिलेबस से, क्या क्या डिलीट कर दिया गया और हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है। और ध्यान में क्या रखना है हमें कि दो भागों में होगा ए और बह, और हमें तो 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त करने, ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, 49 में से 40% ये तो कन्फर्म है, ये 40 के 40 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब बचे क्या, 40 नंबर हो गए, बचे 40 नंबर के, अब इसमें से 5 नंबर का अनुच्छेद लेकर नहीं छोड़ना, हमें करना है बिल्कुल, मतलब ले लेंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हूं ना तब तक चिंता नहीं करनी है। 5 नंबर का आपका विज्ञापन हो गया, 5 नंबर का आपका पत्र हो गया, और 5 नंबर का आपका स्वव्रत हो गया, तो कितने हो गए 5, 10 यानी कि 20 नंबर ये हो गए, 60 नंबर तो हमें बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। और बचा क्या, अब जो आपका चैप्टर दिया हुआ है क्षितिज भाग दो और कृतिका भाग दो से, उस वो तो हमें पढ़ना ही है, महत्वपूर्ण प्रश्न बचे क्या, 40 कंफर्म हो गए, 20 हो गए 60, अब 20 नंबर का आपका चैप्टर से आएंगे प्रश्न, यानी कितने नंबर के, 20 नंबर के, तो बस क्या है, ये तो नीचे और निकल गया, मतलब इसका मतलब हम 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज कह रहा हूं सिलेबस डिस्कस करते समय, आज कह रहा हूं इसको, जिस दिन आप लोग पेपर देने जाओगे और जिस दिन आओ तो कह देना सर उस दिन कहा था, आज वही बात हमारे सामने सत्य हो रही है। तो ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।